ओके नाउन के क्लास में आज आगे जहाँ कल रोके थे वहाँ से आगे शुरू करते हुए हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आज पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसका उच्चारण अगर देख लेंगे, मैं भी कल सही नहीं बोल रहा था सही उच्चारण। ए बी को पहले पढ़ते हैं एब चाहे ऑब, और फिर स्टैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट चाहे एब्स्ट्रैक्ट, कुछ भी पढ़िए, ए बी तक पढ़ेंगे एक बार में। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट राइट, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं मतलब भाव है ना, भाव का बोध होता है। जैसे क्या होगा इसमें कि भाववाचक संज्ञा में थिंग्स का नाम होगा, थिंग्स का नाम, कैसे थिंग्स का नाम होगा, जिनका मटेरियल फॉर्म नहीं होगा। मटेरियल फॉर्म का मतलब होता है भौतिक रूप नहीं होगा। हम सबका भौतिक रूप है ना, भौतिक रूप नहीं होगा ओके, जिन्हें हम न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न स्वाद ले सकते हैं, न टच कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर, सेंस ऑर्गेन्स की सहायता से हम उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते हैं। भाव तो उसी को कहते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा। मतलब वैसे थिंग्स के नाम जिनका भौतिक फॉर्म नहीं होता है उन्हें ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए यहाँ पे गुडनेस है, गुडनेस की हिंदी होती है अच्छाई। अच्छाई को ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए गुडनेस वर्ड है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। फिर ऐसे ही काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। अच्छाई इसका मतलब है, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। ऑनेस्टी का मतलब पता है आप सबको, ईमानदारी। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ये जितने हैं ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, और डेफिनेटली इनमें से किसी को भी ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। ओके क्लियर है सबको? ठीक यस है, इतना ही नहीं और भी है इसमें, यूट्यूब पे आ रहा है, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए प्लीज। यूट्यूब ओपन नहीं किया मैंने अभी। हाँ ठीक है, तो अभी देखिए एक्शन में, अभी एक्शन क्वालिटी क्या है ना इसकी बाद में बात करते हैं। लॉफ्टर, लॉफ्टर मीन्स हंसी या मजाक कहिए। मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स गति जो पढ़ते हैं फिजिक्स में है ना। जजमेंट मतलब निर्णय, इसको इसको क्या पढ़ते हैं बताइए जरा, HATRED को क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हेटरेड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हेटरेड। हेटरेड की हिंदी क्या होती है, घृणा, हिंदी होती है ग्रीन घृणा। तो एक्शन में लॉफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हेटरेड, इतने हैं मतलब एग्जाम्पल है, एक्शन की बात ही नहीं करेगा। ये सब, ये चारों लॉफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट और हेटरेड जितना है ये सब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके इन्हें भी आप केवल महसूस कर सकते हैं। अभी देखिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की हिंदी क्या होती है, बचपन है बचपन। ठीक है, यूथ मतलब जवानी। स्लेवरी मीन्स दासता। रास्ता स्लीप मतलब निंद्रा, सोना भी होता है यहाँ नाउन के रूप में निंद्रा। ओके डेथ मृत्यु, पॉवर्टी गरीबी, सिकनेस बीमारी एटसेट्रा, सम एटसेट्रा। तो यह सब जितना है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी, ये सब जितने वर्ड्स आ रहे हैं ना आपके सामने, इन सबको लर्न करते जाए। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा सब कुछ वोकैब्स में, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं लर्न करते जाइए। अगर स्पेलिंग यहाँ आपको मीनिंग नहीं पता है तो पूछ लीजिए, मुझे लगता है इजी है तो मैं नहीं बताता हूँ। आपको लगता है कोई वर्ड का मीनिंग लिख दूँ, नहीं पता है तो मैं लिख दूंगा, आप चारों तरफ ध्यान रखिए अपना। एनीवेज
तो चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, डेथ, पुबर्टी, सिकनेस, ये सब जितने वर्ड्स यहाँ पे दिखे ना, यहाँ शुरू से अभी तक सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका भौतिक रूप नहीं होता है, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। जो वर्ड्स होते हैं ना, एग्जाम्पल्स हैं ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, इनको कुछ होते हैं गुण बताने वाले, क्वालिटी मतलब गुण, किसी थिंग का गुण बताते हैं, राइट, गुडनेस, काइंडनेस, ठीक है, किसी नाउन का गुण बताते हैं, राइट, मतलब गुण बताने वाले नाउन का नहीं, एक गुण बताने वाले नाउन ही होते हैं। एक्शन मतलब कार्य वाले, जैसे कि लॉफ्टर मतलब हंसी, मूवमेंट मीन्स गति, जजमेंट मीन्स न्याय, हेटेड मीन्स घृणा, ये सब एक एक्शन दिखाने वाले होते हैं, मतलब एक्शन से बनते हैं। और स्टेट का मतलब होता है स्थिति, इसका मतलब स्थिति, चाइल्डहुड एक स्थिति है, जवानी भी एक स्थिति है, दास्ता भी एक स्थिति है, निंद्रा भी एक स्थिति है, मृत्यु भी एक स्थिति है, गरीबी भी एक स्थिति है, बीमारी भी एक स्थिति है। तो जो होते हैं एग्जाम्पल्स, इनके जो मोटे मोटे वर्गीकरण अगर करें हम, तो तीन होता है, कुछ क्वालिटी वाले होते हैं, कुछ एक्शन मतलब कार्य वाले वर्ब से बनते हैं, और कुछ स्टेट स्थिति को दिखाने वाले होते हैं। कोई डाउट है बताइए। कोई डाउट है? नो इस सर, एक मिनट, एक कमेंट है, कमेंट का बोल देता हूँ थोड़ा। कमेंट है सनातनी नाम से, इन्होंने पूछा है कि वोकैब का क्लास करते हैं क्या आप? तो अभी जो लास्ट में 5 मिनट्स की क्लास होगी ना, इसी क्लास में वो वोकैब्स की ही होती है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेशन कैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, थोड़ा इसको विस्तार से किया है हमने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं। देखिए, कुछ बनते हैं एडजेक्टिव से, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि काइंड से काइंडनेस देखा था आपने वहां पे, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी भी देखा था। तो ये काइंड एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं एडजेक्टिव से, कुछ बनते हैं वर्ब से, कुछ बन जैसे ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना, इससे बनता है ओबीडियंस। ग्रो मीन्स बढ़ना, तो ग्रोथ, वृद्धि। तो ये सब जितने यहाँ पे हैं, ग्रोथ चाहे ऑडियंस चाहे ऑनेस्टी, ये सब इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, और बनते कैसे हैं देख रहे हैं, वर्ड जिस बनता है लिखा हुआ है। तो कुछ एडजेक्टिव से बनते हैं, कुछ वर्ब से बनते हैं, और कुछ कॉमन नाउन से बन जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड, स्लेव, चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी, एग्जाम्पल में आपने देखा हुआ था। जो एडजेक्टिव से बनते हैं ना, मेनली मेनली बोल रहा हूँ, ये क्वालिटी को दिखाने के लिए होते हैं। जो वर्ब से होते हैं वे एक्शन को दिखाने के लिए होते हैं। आपने देखा था यहाँ स्लाइड में ना, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, तीसरा बचा स्टेट। जो कॉमन नाउन से बनते हैं, ये स्टेट को बताने के लिए होते हैं। तो ये कंप्लीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन प्रायः तीन तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से, कुछ और भी वर्ड से होता है। और एक गुण, अगर अगर इनका काम काम जो कहें क्या करते हैं, तो गुण बताने का, चाहे एक्शन बताने का, चाहे स्टेट बताने का करते हैं, यह भी मोटा मोटा है। अब बहुत सारे हैं जो इस ग्रुप में फॉल ही नहीं करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रायः एडजेक्टिव वर्ब, मैं प्रायः बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, प्रायः एडजेक्टिव वर्ब कॉमन नाउन से बनते हैं, और जो एडजेक्टिव से बनता है क्वालिटी बताता है, जो वर्ब से बनता है एक्शन बताता है, और जो कॉमन नाउन से बनता है वो स्टेट बताता है। यह एक छोटा सा झलक है कि कैसे फॉर्मेशन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है? फॉर्मेशन मतलब देखिए वर्ड है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म जो आप भरते हैं फॉर्म ना, वो वाला भी मीनिंग है, यही है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म का मतलब होता है बनाना, ठीक है, फॉर्म का मतलब वर्ब ग्रुप में बनाना। और अगर इसी से बनाएंगे वर्ड फॉर्मेशन, FORMATION, तो फॉर्मेशन का मतलब होते हैं निर्माण। तो जो बोल रहा हूँ फॉर्मेशन होता है मतलब बनता है, निर्माण होता है, कैसे बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जितना इजी हो, मुझे लगता है फॉर्मेशन का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, वेरी गुड, है ना। तो
तो मतलब कैसे बनाते हैं वो, किन किन वर्ड से बनते हैं ये आपने देखा। ब्रेव से ब्रेवरी बनेगा, ब्रेव से ब्रेवरी। कमेंट है, कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। पूछा है कि क्या ब्रेव से ब्रेवरी होता है, तो आपने देखा भी था यहाँ पे पिछली स्लाइड में। ब्रेवरी नहीं है ना, नहीं है। ब्रेव ब्रेव मतलब होता है बहादुर, राइट। BRV, इसे आप ब्रेवरी बना दीजिए। BRVRY, ब्रेवरी, बहादुरी। तो ब्रेव हो जाएगा एडजेक्टिव और ब्रेवरी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बनेगा। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन कहिए चाहे कंक्रीट नाउन कहिए, दोनों के हिंदी होते द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आपको अभी बताया था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट है ना। मैं कहूं कि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फिजिकल फॉर्म नहीं होता है और मटेरियल कंक्रीट नाउन में फिजिकल फॉर्म होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन देखा था कि थिंग्स के नाम को बोलते हैं जिसका मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन में था कि थिंग्स के नाम को बोलते हैं जिसका मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। यहाँ बोल रहा है कि थिंग्स के नाम को बोलते हैं जिनका मटेरियल फॉर्म होता है। वहां पे था कि सेंस ऑर्गेन्स मतलब उनको सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, सब था। यहाँ पे हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक जरूर हम कर सकते हैं, जो भी इस तरह के कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे उनके साथ। ओके, जैसे कि हेयर है, हेयर आप जानते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्कूटर है, स्कूटर भी मटेरियल फॉर फिजिकल फॉर्म है। शुगर है, तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए तो उसका उल्टा हो जाएगा कंक्रीट नाउन, मतलब जिसको, हाँ, जिसका फिजिकल फॉर्म होता है उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट का मतलब ही द्रव्यवाचक और मटेरियल का मतलब ही द्रव्यवाचक, ठीक है, होता है। क्लियर है? मतलब एब्स्ट्रैक्ट का जस्ट उल्टा हो गया ए कंक्रीट। क्लियर क्या? सर ठीक है। सर अभी देखिए, अभी आपने देखा था कि जो ये नाउन है इसका क्लासिफिकेशन दो आधार पे हुआ था, एक था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना। इस तरह का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमने अभी कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन, राइट। कल तीन कंप्लीट कर लिया था और आज ये दो कंप्लीट कर लिया है हमने, ठीक है। और आप यह भी जानते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन कितना है, बताइए तो कितना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन का? तीन प्रॉपर कौन कौन सा? नाउन काउंटेबल ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ। प्रॉपर नाउन दिख रहा है ना, रिंग चेंज करूँ, एक बार चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन, फिर था काउंटेबल नाउन और फिर था अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ये तीन भेद था मॉडर्न वाला, आपने कर लिया है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं क्या कर रहा, दोनों को मिक्स कर रहा। प्रॉपर नाउन अगर ट्रेडिशनल में है तो मॉडर्न में भी प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में कोई किसी को डाउट है नहीं, दोनों समझ गए हैं आप, है ना। ठीक है, जैसा अब कॉमन नाउन बताइए। कॉमन नाउन, आप कॉमन नाउन समझ गए हैं किसे कहते हैं, है ना, जिससे जाति भर का बोध होता है उसे ही कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो खत्म ही हो गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आ गया। अब या तो जितने चार है ना इधर वाले, या तो काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे या दोनों होंगे, ठीक है। तो आप बस बताइए अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए कि कॉमन नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल हाँ, काउंटेबल काउंटेबल होगा, CN नहीं देते हैं, काउंटेबल नाउन है ना। कॉमन नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल बताइए। बॉय बॉय हाँ, गर्ल स्कूल
ठीक है। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल और कुछ हो सकता है क्या जो कि अनकाउंटेबल हो सकता है क्या? है ना, प्राय 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 लाइन क्या? हो सकता फिर से बोलिएगा। वाइन वाइन शराब वो तो मटेरियल नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो कॉमन नाउन प्रायः काउंटेबल होता है, प्रायः यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं। अधिग्रहण में जाएंगे ना तो गलत हो जाएगा ये, लेकिन आपके एग्जाम तक मैं सही कर रहा हूँ, सही है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? कल आपने लर्न किया था कलेक्टिव नाउन का पूरा ग्रुप, काउंटेबल काउंटेबल। यहाँ पे काउंटेबल कोई डाउट नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल अच्छा, अनकाउंटेबल तो इसको यूएन से लिखता हूँ, लेकिन एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आइडिया, IDEA, आइडिया। आइडिया का प्लूरल आइडियाज होता है। आइडिया भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे आप महसूस कर सकते हैं केवल, है ना, कि मेरे मुझे एक आइडिया आया है। कहते नहीं है आइडिया आया है तो आइडिया दिखा सकता है कोई क्या, है ना? वो तो अपने का मन में होता है, तो केवल भाव होता है वो, तो आइडिया का आइडिया जो होता है। तो अभी आज पढ़ेंगे भी थोड़ा सा और इसमें, यह काउंटेबल भी होता है, यह काउंटेबल भी होता है। और कंक्रीट का बताइए, कंक्रीट या मटेरियल नाउन कैसा होता है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? काउंटेबल काउंटेबल होता है। और शुगर, शुगर भी तो फिजिकल फॉर्म में होता है, तो अनकाउंटेबल भी होता है, दोनों होते हैं। दोनों होता है। यूएनसी, यूसीएन, क्या यूसीएन? हाँ, यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से आपने देखा प्रोपर, जो दोनों क्लासिफिकेशन है उनका, कि प्रोपर नाउन तो ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों केवल काउंटेबल होते हैं, है ना, जनरली काउंटेबल होते हैं। और लास्ट टू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट मटेरियल नाउन, ये दोनों होते हैं, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। क्लियर है? तो मटेरियल नाउन काउंटेबल कैसे होते हैं? चेयर, चेयर देखिए, चेयर थिंग का नाम है जो फिजिकल फॉर्म में है। चेयर का चेयर्स होता है ना, चेयर चेयर का तो कॉमन नाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉमन सर, नाउन। चेयर में नाम क्या होता है, जैसे ठीक है, आप जाएंगे वीर, कौन सा चेयर, वहां पे मत जाइए, ठीक है। आप थिंग्स में, मतलब उतना डेप्थ में मत पहुंचिए कि चेयर की वैरायटी आप कर दीजिएगा। चेयर मतलब चेयर, हर तरह का चेयर, ठीक है। तो चेयर का प्लूरल होता है ना, चेयर्स होता है ना, यस सर। ठीक है। और भी अभी मिल जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, एक तरह से कहें कि उस स्लाइड का उल्टा उल्टी बात करेंगे थोड़ा सा, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वे या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक, और कॉन्क्रीट का मतलब फिजिकल फॉर्म। कॉन्क्रीट मतलब फिजिकल फॉर्म होता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, सिचुएशन, सिचुएशन की हिंदी क्या होती है, स्थिति। ठीक सिचुएशन का प्लूरल होता है, इसका प्लूरल होता है सिचुएशंस। तो काउंटेबल का जो भी काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल तो बनता है, आप जानते हैं चीज, है ना, गिनती करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल तो होना ही होना है। तो सिचुएशन का सिचुएशंस होता है। आइडिया का तो पहले बात कर ले, आइडिया का आइडियाज होता है, ट्रबल का ट्रबल्स तो होता है। तो ये तीनों का तीनों जो लिखा हुआ है, सिचुएशन, आइडिया और ट्रबल, ये तीनों का तीनों अगर कहें एब्स्ट्रैक्ट है तो सही है ना, तीनों भाव है, स्थिति, स्थिति दिखती थोड़े है, समझ में आती है खाली, बस भाव है। आइडिया भाव है, ट्रबल मतलब समस्या, समस्या मत, हम तो उसको देख पाते नहीं है, केवल महसूस कर पाते हैं, है ना, मतलब महसूस करना मतलब भाव हम खाली समझ पाते हैं। तो ये तीनों का तीनों एब्स्ट्रैक्ट है, और साथ में तीनों का प्लूरल भी होता है, तो तीनों का तीनों काउंटेबल भी है ना। ये हो गया
तो ये तीन एग्जाम्पल दिया, कहा ना कि काउंटेबल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे चाहे कॉन्क्रीट। तो पहले में आपको दे दिया एब्स्ट्रैक्ट का, देखिए कॉन्क्रीट में बुक का बुक्स होता है, कैट का कैट्स होता है, स्पून का स्पून्स होता है, और ये फिजिकल फॉर्म में तीनों होते हैं, तीनों काउंटेबल हैं, साथ में ही साथ ये तीनों कॉन्क्रीट भी हैं। समझ गए क्या? काउंटेबल नाउन दोनों हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी और कॉन्क्रीट भी। एग्जाम्पल सामने है, कैट हाँ बोलिए। तो कॉमन नाउन ना, ना? देखिए कॉमन नाउन कैसे, देखिए कैट हाँ जाति भर का बोध होता है, ठीक है, कॉमन नाउन भी है, कैट कॉमन नाउन भी है, लेकिन यह कॉन्क्रीट नाउन भी है। अगर आप बोलेंगे बॉय को, तो बॉय कॉन्क्रीट नाउन नहीं है क्या? बॉय का फिजिकल फॉर्म होता है ना, होता है कि नहीं तो होता है? तो देखिए इसी कारण से, हाँ जी थोड़ा सा बोलने दीजिए फिर पूछिएगा। इसी कारण से यहाँ पे आप समझ रहे, कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन आपको अब लग रहा है कि एक ही जैसा है ना? इसी कारण से मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया कि एक प्रॉपर रहेगा और बाकी दो रहेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है जिसे जाति भर का बोध होता है उसे कहेंगे कॉमन, और वैसा चीज जिसका फिजिकल फॉर्म होता है उसे कहेंगे कॉन्क्रीट। तो डेफिनेटली जितने कॉमन नाउन हम पढ़े हैं सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन हैं। अब क्वेश्चन का जो पूछ रहे थे पूछिए क्वेश्चन। सर, एक कॉन्क्रीट नाउन अब मतलब जो बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है मैं। कॉन्क्रीट नाउन मतलब फिजिकल फॉर्म, जिस भी पदार्थ का आप जिस भी चीज का फिजिकल फॉर्म है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। आपका मेरा सारे प्रोपर नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन हैं, अभी कॉमन ही क्यों बात कर रहे हैं, सारे प्रोपर नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन हैं। आइए अभी यहाँ पे प्रोपर नाउन कॉमन नाउन ये सारे के सारे ये क्या है, कलेक्टिव नाउन बंच, बंच मतलब गुच्छा, ये भी तो कॉन्क्रीट है, बोले ना अभी। दो कंक्रीट है उस और कॉम्पाउंड में मतलब समझ सकते। कॉन्क्रीट नाउन को और क्लियर समझने के लिए, कॉन्क्रीट नाउन को और साफ समझने के लिए इसके अंदर प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन कर दिया गया है, ऐसा कहना गलत नहीं है। क्योंकि सारे वर्ड्स जितने हमने पढ़े हैं अभी तक प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन में सबका फिजिकल फॉर्म होता है, मतलब सब कंक्रीट या मटेरियल नाउन है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एक प्रॉपर नाउन हो गया बाकी काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल। सर फिर तो मेटेरियल नाउन की हिंदी द्रव्य होता है मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा है हाँ द्रव्य वही तो। मतलब, द्रव मतलब जिसका फिजिकल फॉर्म होता है। बोलिए तो हाँ सर, तो प्रॉपर नाउन द्रव्य कैसे हो सकता है? आपका नाम जो भी है, ये नाम है आपका, आपका जो आपका फिजिकल फॉर्म है कि नहीं, हाँ सर, तो फिर तो आप तो द्रव्य है ना। चेयर, चेयर का फिजिकल फॉर्म है कि नहीं, द्रव है, चेयर ऐसे प्रॉपर नाउन नहीं है, तो चेयर का फिजिकल फॉर्म है, द्रव्य है। कॉमन नाउन में बात कर लेते हैं, कॉमन नाउन में बात कर लीजिए बॉय की ही बात कर लेते हैं, बॉय जितने वर्ल्ड के बॉयज हैं सबका, सबका फिजिकल फॉर्म होता है कि नहीं, द्रव्य है। कलेक्टिव नाउन बात कर लीजिए बंच, बंच मतलब गुच्छा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन सभी नहीं अधिकतर, तो बंच मतलब गुच्छा, ये क्या होगा गुच्छा, यह फिजिकल फॉर्म में है कि नहीं है, समझ गए? सारे कलेक्टिव नाउन नहीं, जिनका फिजिकल फॉर्म होता है वे सब मटेरियल या कंक्रीट नाउन है। बोलिए डाउट है क्या? यहाँ हाँ बोलिए। पे जो आप द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे द्रव्य का मतलब पदार्थ है या फिर जो लिक्विड होता है वो है? सब कुछ द्रव्य का मतलब क्या बताइए, फिजिक्स, फिजिक्स से जिसका फिजिकल फॉर्म होता है वो द्रव्य है, जिसका फिजिकल फॉर्म होता है वो द्रव्य है, पानी भी द्रव्य है, फिजिकल फॉर्म होता है ना उसका भी,
जो द्रव्य का यूज कर रहे हैं उसका मतलब कोई भी फिजिकल फॉर्म, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, हाँ गैसीय मतलब स्टेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गैस का फिजिकल फॉर्म तो नहीं होता है, अगर पूरा जाएंगे केमिस्ट्री में। जैसे हम हाँ उसको क्लासिफाइड करें तो जो हमारा मतलब पदार्थ का जो अवस्था होता है वो तो तीन स्टेट में आना होता है, ठोस, हाँ जी हाँ द्रव्य, हाँ हाँ गैस। कह सकते हैं क्योंकि तो गैस का भी अगर फॉर्म द्रव्य होता बोलते है हैं तो तीनों आ जिसका सकता है। आयतन और वो सब फिक्स नहीं होता। ठीक है, ओके सही है। तो सब द्रव्य है, तो जितना द्रव्य है सब का सब कंक्रीट मटेरियल नाउन में आएगा। बोलिए। सर ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है, प्रॉपर हाँ नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हाँ जी तो इनको, इनके अलावा जो कंक्रीट नाउन आप बोल रहे हैं तो इन तीनों से वो अलग है या फिर इन तीनों में से ही है? इस स्लाइड में ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ग्रुप में रखा गया है इस स्लाइड में, कि प्रॉपर नाउन मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में है, कॉमन या कलेक्टिव किस ग्रुप में है, मतलब ये सब पांचों किस किस ग्रुप में आएंगे मॉडर्न के। और जो इधर की स्लाइड है इसमें प्रॉपर को छोड़ दिया जाए तो जो ट्रेडिशनल वाले हैं जैसे कि काउंटेबल, काउंटेबल किस ग्रुप में आएगा ट्रेडिशनल के, तो काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट में भी आएगा और इसमें ऑब्जेक्ट में आएगा, कुछ कुछ कॉन्क्रीट में आएगा। ऐसे अनकाउंटेबल किस में आएगा, तो एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट में आएगा और कुछ कॉन्क्रीट में आएगा। समझ गए। तो सर यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंक्रीट है, कंक्रीट नाउन है, वो क्या सेम सेम है क्या, अलग अलग है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट कंक्रीट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव है, मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, और कंक्रीट नाउन फिजिकल फॉर्म वाला होता है। तो क्या सर हम सिर्फ अगर नाउन्स को दो पार्ट में डिवाइड करना हो तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट बोल सकते हैं? हाँ, अगर आपको आप अगर अपना प्रकार बनाना चाहेंगे ग्रामर पढ़ गए तो आप एक प्रकार ऐसा बनाएंगे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन, बस एक इधर हो गया, ए हो गया, और नहीं तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि आपने, पर जो प्रॉपर नाउन है वो तो हाँ कंक्रीट में भी आ सकता है ना? प्रॉपर नाउन कंक्रीट में आएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन स्पेशल नाम होता है ना, किसी चीज पदार्थ का स्पेशल नाम होता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। ठीक सर है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर तो होता है प्रॉपर किसका? नाउन का, किसी भी नाम हो तो वो, अगर कोई पर्सन होगा तो आप ही बोले कि अगर फिजिकल स्ट्रक्चर है तो वो कंक्रीट नाउन है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन फिर देखिए कंक्रीट नाउन जो होगा वह कॉमन नाउन भी तो होगा ना, पूरी जाति भर का बुद्ध होगा उससे। सपोज यस सपोज सपोज यहाँ बॉय को रख कर लेते हैं, तो एक कंक्रीट नाउन है, क्लियर है, लेकिन अगर राम कर दे तो एक स्पेशल बॉय राम की बात हो रही है, इसलिए इसे स्पेशल के लिए प्रॉपर नाउन कर दें अगर हम, तो सही है, उचित है। ठीक है, तो फिर राम को क्या कहेंगे? अगर बॉय को कंक्रीट कहेंगे तो बॉय में जो राम आएगा वर्ड निकल कर यहां से, तो राम को क्या कुछ कंक्रीट रहना चाहिए ना, इसलिए प्रोपर नाउन बनाया गया। बॉय को भी तो कॉमन नाम कहते हैं। सर तो अभी तो इतना तीन पे बात हो रही है ना, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट पे। बॉय तो है, कंक्रीट भी है, कॉमन भी है ना, कॉन्क्रीट भी है कॉमन। यहां तो कहा आपको मैंने, देखिए ये तीनों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कुछ कलेक्टिव नाउन, ये तीनों के तीनों कॉन्क्रीट नाउन होंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे? कॉन्क्रीट नाउन होंगे। तो मैं तो कहा कि कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन होता है। क्लियर हुआ क्या सबको? सर हमें कॉन्क्रीट नाउन प्रोडक्ट की, फिर से बोलेगा। हमें कॉन्क्रीट नाउन की जरूरत क्यों पड़ गई? जैसे कि पहले से तो सिस्टमेटिक ढंग से था इसीलिए तो नहीं, इसको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहा तो गया ना, इसको ट्रेडिशनल क्लास, पारंपरिक वर्गीकरण, पुरानी जो वर्गीकरण है इसलिए कहा गया है इसको। ठीक है,
ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इसीलिए कहा गया है, पुराना वर्गीकरण था जब लोग मतलब शुरू करे थे रचना, है ना, उसके बाद इवॉल्व हुआ। जैसे हम लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, हमने क्या इवॉल्व कर दिया है, हमने आज इवॉल्व कर दिया कि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट तीन ही होना चाहिए, ये किया ना हमने। तो ऐसे ही इवॉल्व होकर आया, नया बना मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसमें तीन ही आया, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और हम उनको भी सम्मान करते हैं, तो तीनों पांचों पढ़ते हैं और यहाँ पे भी तीनों पढ़ते हैं, और इनको मिला रहा हूं मैं अभी, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर भी कंफ्यूजन दूर करेंगे, बताइए और कुछ दिक्कत है? ना किसी को भी कुछ कहना, देखिए मैंने क्या किया, अभी ट्रेडिशनल को मॉडर्न से मिला दिया। अब क्लास के बाद जो नोट्स बनाएंगे उसमें समझिएगा, डाउट हुआ तो कल भी पूछिएगा, टाइम बहुत हो गया है। अभी कहा यहाँ पे मॉडर्न को ट्रेडिशनल से मिलाया कि काउंटेबल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या कॉन्क्रीट होगा, और ऐसे ही यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट होंगे, जैसे कि ऑनेस्टी, सैडनेस, करेज, ये सब भाव है केवल, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट हैं, अनकाउंटेबल भी हैं, साथ में सिल्वर, क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, हाँ मिट्टी कह दीजिए, सिल्वर वुड मतलब लकड़ी पता है, यह सब क्या है, अनकाउंटेबल है और फिजिकल फॉर्म में है, तो कॉन्क्रीट नाउन भी है। ठीक है, आज वोकैब की क्लास नहीं करते हैं, वोकैब की क्लास कल कर लेंगे, वी आर ऑलरेडी लेट, छोड़ दें, 1 मिनट टाइम देंगे आप लोग, देख ही लीजिए वोकैब की क्लास में, जल्दी से देख लीजिए आप सबके सब, पूरा अटेंशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, डाइवर्ट मत होइए, 1 से 2 बार में खत्म कर दूंगा इसको। देखिए इसको पढ़ना सीखना है बहुत बड़ा काम, SYCHO, यहाँ पे ओ होता है साइलेंट, साइलेंट मतलब नहीं पढ़ते उसको, और SYCH पढ़ेंगे सिक, पढ़ेंगे सिक, बाद वाला वो जो जो वर्ड्स लेटर्स हैं PHANT, इसको पढ़ते हैं फैंट, सिक फैंट, हिंदी होती है चापलूस, वर्ड जानते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते थे आप, हिंदी वाला वर्ड जानते हैं ना, सिक फैंट, सिको फैंट, साइको फैंट नहीं पढ़ना है इसको, ये है सिक फैंट, ठीक है, सिक फैंट की हिंदी होती है चापलूस। पहला सिनोनिम है फ्लैटर, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब चापलूस, ठीक है, फ्लैटर का मतलब चापलूस। फिर है एडू लेटर, ADU, एडू और फिर LATUR, लेटर, एडू लेटर का मतलब ही सेम, फ्लैटर और फिर एडू लेटर। फिर देखिए TOADY, इसको पढ़ते हैं टोडी, टोडी का मतलब ही सेम, तो एक शब्द चापलूस के लिए चार इंग्लिश है, सिक फैंट, फ्लैटर, एडुलेटर, टोडी। अब बात करेंगे उल्टा शब्द की, एंटोनिम की, तो इसका है कास्टिगेशन, कैस्टिगेशन, CSTI, कैस्टी, और GATION, गेशन, कैस्टिगेशन, कास्टिगेशन नहीं, कैस्टी, CSTI, कैस्टी, और फिर GATION, गेशन, कैस्टिगेशन, तारना, तारना मतलब आप सुने होंगे गाली से तार देना, गाली किसी को कब देते हैं, जब उल्टा करते हैं, सब चापलूसी में तो खुश करते हैं ना, तो चापलूस का उल्टा हो जाएगा कैस्टिगेशन, तारना, ये वर्ब नहीं है, ये एक तरह से नाउन ही है, कैस्टिगेट मतलब भी होता है तारना, और कैस्टिगेशन मतलब भी, मतलब जब आप कर देते हैं पूरा तो उसको बोलेंगे। ऑफेंडर, OFFENDER, ऑफेंडर, ऑफेंडर एक ही बार पढ़ दीजिए, ऑफेंडर का मतलब होता है अपमान करने वाला, और फिर है कंडेमनर, कंडेम, CONDEMN, कंडेम, यहाँ तो पढ़िए CONDEM, कंडेम, और फिर एनवर नर, कंडेमनर, इसको 2 बार पढ़ दीजिए, ऑफेन, OFEN, ऑफेन, और फिर डियर्डर, ऑफेंडर, यहाँ पे कंडेमनर का कंडेम, और फिर एनवर नर, कंडेमनर, निंदक, निंदा करने वाला। तो इस तरह से सिकफेंट वर्ड है फ्लैटर, एडुलेटर, टोडी, फिर है कास्टी, आई एम सॉरी, कैस्टिगेशन, ऑफेंडर, कंडेमनर। कुछ पूछना है किसी को? नमस्कार। ठीक है, तो वो कैब की क्लास भी कंप्लीट हो गई, जल्दी थोड़ा कर दिया है हमने, किसी को कोई डाउट होगा तो कल भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास बंद होती है, थैंक यू वेरी मच।